नंबर वन, चमगादड़ ही केवल एक ऐसे स्तनधारी हैं जो उड़ने में सक्षम हैं। उनके पंख बहुत पतले होते हैं, जिन्हें एयरफोल कहा जाता है। नंबर टू, केवल एक चमगादड़ एक घंटे में 1200 मच्छरों के आकार के कीड़ों को पकड़ सकता है। टेक्सास के ब्रैकेन गुफा में यह अनुमान लगाया गया है कि 20 मिलियन मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट्स वहाँ रहते हैं, जो प्रत्येक रात्रि लगभग 200 टन कीड़े खा जाते हैं। नंबर थ्री, चमगादड़ों में कुछ प्रजातियों के ऐसे चमगादड़ होते हैं जो केवल खून पीते हैं, और इन्हें पिशाच चमगादड़ कहा जाता है। एक पिशाच चमगादड़ एक दिन में अपने वजन के बराबर खून पी सकता है। नंबर फोर, विश्व में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सर्वाधिक मात्रा में चमगादड़ पाए जाते हैं। बड़े चमगादड़ों के पंखों की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट तक हो सकती है। नंबर फाइव, दुनिया भर में जितने भी स्तनपायी प्रजातियां हैं उनमें से 20% आबादी चमगादड़ों की है। नंबर सिक्स, कुछ सफ़ेद पंखों वाले पिशाच चमगादड़ मुर्गियों के सामने आकर लेट जाते हैं और चूजे होने का नाटक करते हैं, और जब वह मुर्गी के पास या फिर उनके नीचे आ जाते हैं तब वह उनका खून चूसने लगते हैं। नंबर सेवन, चमगादड़ 20 हर्ट्ज से लेकर 1,20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, जबकि इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकता है। नंबर एट, क्या आप जानते हैं चमगादड़ अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की तरह स्तनधारी जीव है। नंबर नाइन, चमगादड़ हमेशा पेड़ की डाली पर उल्टा लटकते हैं, क्योंकि उन्हें जमीन पर चलने में तथा उड़ने में परेशानी होती है, जबकि वे पेड़ पर उल्टा लटक के रहने पर जल्दी से उड़ान भर सकते हैं। नंबर टेन, कुछ छोटे प्रकार के चमगादड़ जब सो रहे होते हैं तो उनके दिल की गति सिर्फ 18 बार प्रति मिनट होती है, पर जब वह जाग जाते हैं तो गति 880 बार प्रति मिनट तक पहुंच जाती है।